अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि बिल्कुल ठीक होंगे आप सब। मैं भी ठीक हूँ आप सब की दुआओं की वजह से। वेलकम बैक टू अरीज की दुनिया। गुड मॉर्निंग। साथ मैं करने लगी हूँ अपना व्लॉग शुरू। यह था सुबह का टाइम और यहाँ पे मैं आ गई थी किचन में। यहाँ पे मैं बना रही हूँ नाश्ता। आज मैं नाश्ते में बना रही हूँ अंडा, आमलेट में बना रही हूँ। यहाँ पे मैंने अपना नाश्ता बना दिया था और साथ में मेरी बहन का भी। बहुत मज़ेदार से आमलेट बन चुके हैं जिसको मैं अब जाके खाऊंगी अपने नाश्ते में, और चाय भी मैंने साथ ही बना ली है। यहाँ पे मैं अपना नाश्ता लेके आ गई थी। काइंडली जो भी मेरे चैनल पे न्यू हुए हैं वो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मुझे अच्छी अच्छी कमेंट करके बताएं कि आपको मेरे व्लॉग्स कैसे लगते हैं। सबसे पहले मैं आप सबको मुबारकबाद देना चाहती हूँ शबे बारात की। आप सबको मेरे और मेरे घर वालों की तरफ से आप सबको शबे बारात की बहुत ज़्यादा मुबारक हो, और अल्लाह पाक आप सबके घरों को हमेशा शादो आबाद रखे। आमीन सुम आमीन। यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ कोल्ड ड्रिंक्स। आज हमने कोल्ड ड्रिंक्स में मंगवाया है स्टिंग, क्योंकि मुझे बहुत ही ज़्यादा ये पसंद है। वरना हम पाकोला ही मंगवाते हैं, लेकिन इस बार हमने स्टिंग मंगवाई है। और साथ में मैंने आपको कल भी ग्रोसरी दिखाई थी, और उसके बाद यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ चिकन। चिकन हमने फ्रेश मंगवा दिया है और उसको मैं करूँगी अच्छे तरीके से साफ़। जैसा कि मैं आपको पहले भी ब्लॉग में बता चुकी हूँ अपने कि मैं जब भी चिकन आता है तो पानी और सिरका और उसमें नमक डाल के रख देती हूँ, उससे चिकन बहुत ही ज़्यादा अच्छे से साफ़ हो जाता है। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ शबे बारात की। यहाँ पे हमारे पास तैयारियाँ चल रही हैं, क्योंकि हमारे पूरे ख़ानदान को अम्मी ने दावत दी है। इस वजह से मैं आपको बताती चलूँ कि हमारे घर में दावत होगी, इस वजह से मैंने सारा मेन्यू आपको बता दिया है कल के ग्रोसरी में क्या क्या आया है, क्या क्या चीज़ें बनेंगी। टाइम पे मुझे
मुझे स्नैक खाने की बहुत ही ज़्यादा आदत है, इस वजह से मैंने अपने लिए पेटीज़ मंगवा दिए हैं। मैंने सोचा पहले मैं पेटीज़ खा लूँ, उसके बाद मैं तैयारी करूँगी खाना बनाने की, वो भी मैं आपको इस व्लॉग में दिखाऊँगी कि मैं कौन सी चीज़ें आज बना रही हूँ। यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ जो हमने कलेजी मार्केट से मंगवाई है। पहले मैं इसको साफ़ करूँगी, फिर मैं इसे मैरिनेट करूँगी। मैं जब भी कलेजी आती है तो मैं पानी नहीं ऐड करती, सबसे पहले मैं नमक शामिल करती हूँ, उसके साथ सिरका ऐड करती हूँ और साथ में मैं लहसुन ऐड कर देती हूँ। अगर आपको ये कलेजी की रेसिपी चाहिए तो अब पहले से ही मेरे व्लॉग्स में रखी हुई है, आप चाहें तो वो व्लॉग चेक कर सकती हैं, उसमें आपको प्रॉपर ये रेसिपी मिल जाएगी। यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी में काम कर रही हूँ क्योंकि मुझे दावत के लिए ये चीज़ें मैरिनेट करके रख देनी है। मैंने कलेजी को मैरिनेट कर दिया है, उसके बाद मैंने दूसरे बाउल में रखा है छोटे से, क्योंकि मुझे फ्रिज में रखनी है, मेरे पास जगह कम है इस वजह से। और उसके बाद यहाँ पे मैं रेप कर रही हूँ ताकि दूसरी चीज़ों में इसकी खुशबू ना हो जाए। यहाँ पे आप देख रहे हैं चिकन का कीमा, क्योंकि मुझे चिकन कीमे से कोफ्ते बनाने। यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ मसाले। मसालों में मैंने ऐड किया है धनिया पाउडर, गरम मसाला पाउडर, हल्दी पाउडर, सफ़ेद जीरे का पाउडर, और उसके साथ यहाँ पे मैं ऐड कर रही थी प्याज को मैंने चॉप कर दिया था और उसका पानी रिमूव कर दिया था, वो भी मैंने ऐड कर दिया था चिकन कीमे में। और फिर मैं हल्के हाथों से मिक्स कर रही हूँ। रोस्टेड चने भी मैंने ऐड किए हैं, उसे भी मैंने ग्राइंडर में ग्राइंड कर दिया, फिर मैंने ऐड किया है चिकन कीमे, क्योंकि चनों की पाउडर की वजह से कोफ्ते टूटेंगी नहीं, इस वजह से मैंने ये पाउडर ऐड किया है इसमें। आप भी चाहें तो आप ये रेसिपी चाहें तो फॉलो कर सकती हैं, बहुत ही अच्छी रेसिपी है ये, मेरे पहले से ही व्लॉग में पड़ी हुई है, आप चाहें तो वहाँ से चेक कर सकती हैं, वहाँ पे मैंने प्रॉपर तरीके की ये आप सबको व्लॉग में रेसिपी दी है। मसाला सारा बना दिया है, उसके बाद यहाँ पे मैं मसाले को अच्छी तरीके से बंद करके रख दूंगी फ्रिज में, और कल मैं आपको दिखाऊंगी जो मैंने कोफ्ते बनाए हैं वो मैं कैसे बनाऊंगी। भाई बना रहे हैं लबे शीरी, बहुत ही ज़्यादा ये मज़ेदार रेसिपी है, घर में आप सबको बहुत ही ज़्यादा ये अच्छी लगेगी। मैंने सोचा कि मीठे में क्या किया जाए, तो भाई ने कहा था कि मीठे में लबे शीरी करते हैं।
पे हमने कस्टर्ड को ऐड कर दिया था दूध में, और उसके बाद जहाँ पे हम अच्छी तरीके से कस्टर्ड को मिक्स कर, और उसके बाद जो कलरफुल सेवइयाँ हैं वो भी हमने बॉयल कर दी हैं। बॉयल करने के बाद उसी पानी में हमने सेवइयों को छोड़ दिया है। फिर हम 10 मिनट के बाद ड्रेन कर देंगे सेवइयों का पानी। और यहाँ पे हम जेली बना रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा मुझे पसंद है जेली खाना, और कलरफुल बहुत ही ज़्यादा अच्छी बनती है। आप बताइएगा कि आपको किस किस को जेली पसंद है। यहाँ पे हम बना रहे हैं जेली पैकेट वाली, और उसे अच्छी तरीके से बनाने के बाद मिक्स कर रहे हैं। अच्छा, उसके बाद कस्टर्ड जब ठंडा हो चुका था दूध वाला, तो उसके बाद यहाँ पे मैं सेवइयों को ऐड कर रही हूँ, और अच्छी तरीके से हम मिक्स कर देंगे ताकि सेवइयाँ और कस्टर्ड मिक्स हो जाए। लबेशीरी के बाद मैं आ गई थी किचन में। फिर से यहाँ पे हम बना रहे हैं दही बल्ले, और दही बल्लों के लिए हम बैटर तैयार कर रहे हैं। बैटर में मैंने ऐड किया है बेसन और उसके साथ नमक, और साथ में मैंने ऐड किया है अजवाइन और उसके साथ लहसुन, और थोड़ा सा मैंने बेकिंग पाउडर भी ऐड कर दिया है। यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ सफ़ेद चने, और सफ़ेद चनों को भी मैं पानी में डाल के भिगो के रख दूंगी ताकि वो भी बॉयल हो जाए, तो उसकी भी चाट बनानी है, वो भी मैं आपके साथ इंशाल्लाह शेयर करूंगी। पकोड़े दही बल्लों के लिए, और बहुत ही ज़्यादा ये क्रिस्पी बनते हैं। मुझे बहुत ही ज़्यादा दही बल्ले खाने का बहुत ही ज़्यादा शौक़ है। आप बताइएगा क्या आपको दही बल्ले खाने का बहुत शौक़ है, और आप किस किस को दही बल्ले पसंद है। व्लॉग बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाता है, इस वजह से मैंने व्लॉग को कम कर दिया है कि डिटेल दिखाऊंगी। और यहाँ पे दही बल्लों को, पकौड़ों को मैंने अच्छी तरीके से पानी से निकाल के फिर यहाँ पे मैं एक बाउल में रख रही हूँ। यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ पकौड़ों को भी मैंने अच्छी तरीके से रैप करके रख दिया है, और उसके बाद मैं आप सबको दिखा रही हूँ। और यहाँ पे आ गया है हलवा, और उसके साथ खीर मिक्स, और साथ में सेवइयाँ, मीठी सेवइयाँ। बहुत ही ज़्यादा अच्छा, हमारे पड़ोसियों ने हमें मीठा भेजा है शबे बारात पर। तो जी, ये था मेरा आज का व्लॉग, आज की डेली रूटीन। उम्मीद करती हूँ कि आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अच्छा, चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा, अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।